अपडेट कई पे आप ब्रेकिंग न्यूज आहे कराची में डिफेंस फेज 7 में गाड़ी ते फायरिंग कई वही हुई। पुलिस तरफा टे शख्स के मारजन की गलत खबर दियण ते डीआईजी दखण इरफान बलोच नोटिस वरतो आहे। अहम खबर आहे आवासा शेयर कंदासी जे भी एसएसपी के गलत इतला दिनों आहे उन खिलाफ इंक्वायरी थींदी। डीआईजी इरफान बलोच यो चवण आहे अवाखे अपडेट दे रहा आहे। कराची का डिफेंस फेस 7 में गाड़ी ते फायरिंग थी हुई। पुलिस तरफा टे शख्स के मारजन की गलत खबर दियण ते डीआईजी दखण इरफान बलोच नोटिस वरतो आहे। इन हवाले से वधिक तफसील मालूम कंदासी आवाज न्यूज रिपोर्टर आमिर सुप्रो खा। जी आमिर वधिक छा तफसील आहे? हाँ जी बिल्कुल, डिफेंस फेस 7 में सुबह गाड़ी ते फायरिंग जो वाक्यो पेश आयो जै बाद जो है ब मू उ मौके से मारज वह अस्पताल में। पर उनखां पो जेको आए एस एस पी साउथ असद रजा जी आप जी मीडिया से गाल बोलत उनमें टों मू भी जो है वाक्य अंदर जो नालो इरशाद अली पवर बुधा पटे खोची हुआ। पर बाद में उनखां पो जी तस्दीक कई वही तो वो हिनमहिल पे निजी अस्पताल में जेरे इलाज है उनको को भी जो है वफात ना है। उन बाद डीआईजी इरफान अली बलोच जो है नोटिस वे एस एस पी के गलत इंफॉर्मेशन देने जो है इंक्वायरी टीम जो है कंडक्ट कई है। डीआईजी साहब चवण जै भी ये गलत खबर जी है मीडिया तीन पहुंचे उन खिलाफ कार्रवाई थी सुबाने तीन जो है उनकी इंक्वायरी थी जी गलत खबर है टिन मानू के मारजन की जै भी दिनी है उन खिलाफ जो है पुलिस पारा कार्रवाई कई वी। मेहरबानी हुई आमिर।